दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों अल्टरनेटर का अपना टॉपिक चल रहा है, आप सभी लोग जुड़ जाइए, उसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाएंगे। आज फिर कुछ नया इसके बारे में पढ़ते हैं। सभी लोग जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और तब तक मैं आप लोगों के कमेंट्स चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में यस भाई, आपका मुझे मिल गया नोटिफिकेशन, ज़रूर आपका करेंगे कुछ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो अपने एमसीक्यूज मैंने स्टार्ट किए थे तो वो बीच में पड़े हैं, अगर आप लोग बोलोगे तो वो ज़रूर मैं वापस स्टार्ट कर देंगे, है ना। रुके हुए थे भाइयों, कर दिया करो लाइक लुक यार, इतने सारे लाइव आए हो, लाइक का बटन नहीं दबा रहे हैं। देखो या तो विश्वास नहीं है कि कुछ नया नहीं मिलेगा सीखने को। ठीक है, हाँ एक अपडेट है नई वैकेंसी का, तो उसका लास्ट में अपडेट देंगे, पहले क्लास पूरी पढ़ते हैं और लास्ट में आप लोगों के क्वेश्चन का रिप्लाई भी करेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन सीखने को बहुत मिलेगा, जैसा कि टाइटल और थंबनेल से आप लोगों ने देखा होगा। टॉपिक का नाम है कि अल्टरनेटर में स्पीड, पोल और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन पाया जाता है, क्या संबंध होता है, फ्रीक्वेंसी कैसे पोल और घूर्णन गति से यानी स्पीड से चेंज होती है, इस पर हम लोग पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत अच्छा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उम्मीद है। ठीक है, देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम सबको याद है, मुझे पता है आप में से सबको याद है, पी एन अपॉन 120 होता है। बस हम तो पूरी डिटेल से बात करेंगे कि ये 120 कहाँ से आया, इसी से न्यूमेरिकल बनते हैं। आजकल ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं जहाँ स्पीड आरपीएम की बजाय आरपीएस में दे देते हैं और स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू आरपीएम करते हैं, ऑप्शन भी मिल जाता है, उत्तर गलत हो जाता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हिंदी हो या इंग्लिश हो सबको ईजीली समझ में आ ही जाती है क्या कह रहे हैं। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घूर्णन गति, रोटेटिंग स्पीड, प्राइम मूवर पर डिपेंडेंट है, हमारे हाथ में नहीं है। स्टीम जा रही है टरबाइन की ओर, वाल्व ज़्यादा खोलेंगे स्टीम का प्रेशर जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज अपने प्लांट में सिंक्रोनाइज करते समय इसी चीज़ को चेंज करते हैं बस, राइट। पोल के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं होगी, हिंदी में इसको ध्रुव बोलते हैं और फ्रिक्वेंसी को बोलते हैं आवर्ती, राइट, कैसे भी लिख देना, इसके कई सारे होते हैं, बारंबारता भी बोलते हैं। ओके, आइए टॉपिक पर। देखो सिंपल और सटीक लाइन में मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो दो लाइनें छोटी छोटी आप सभी जरूर याद रखना। एक लाइन तो क्या याद रखोगे कि एक यांत्रिक चक्र में यानी मैकेनिकली एक चक्र जब अपना जैसे रोटेटिंग पार्ट रोटेट करेगा, जैसे बड़ा जनरेटर है तो फील्ड घूमेगा, फिर रोटरी तो रोटेट करता है ना, अगर छोटा जनरेटर है तो चालक घूर्णन करता है। कंप्लीटली लाइन यही होती है कि एक यांत्रिक चक्र में दो पोल मिल करके ईएमएफ का एक चक्र बनाते हैं। कंप्लीटली जो अपना लूप होता है वो एन और एस दोनों के संपर्क में जब जाता है तब जाकर के ईएमएफ का एक चक्र पूरा होता है। ये मैं डीसी जनरेटर की कार्य प्रणाली में बता चुका हूं, शायद ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। जनरेटर है, प्रेरित ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बीएलवी साइन थीटा, राइट, तो यहां भी यही फॉर्मूला लगेगा। इस साइन थीटा पर ही मान डिपेंडेंट होता है, साइन के अकॉर्डिंग जब देखोगे तो एक बार बढ़ता जाएगा और फिर घटता जाएगा और वापिस जीरो हो जाता है, याद होगा ना। इस बीएलवी को कॉन्स्टेंट मान लेते हैं तो साइन थीटा पर ये डिपेंडेंट होगी ना वैल्यू, साइन 30, 60, 90, फिर चलते चलते 120, 150, 180, 210 और इसमें अगर 30 जोड़ते हैं तो 40, 70, 300, 330 और 360, ये है साइन में। इनका मान रखते जाओ, जैसी वैल्यूएशन आएगी ऑटोमेटिक आपको देखो पहले बढ़ती भी फिर घटती भी मिलेगी, फिर वैल्यू बढ़ेगी तो सही लेकिन दिशा चेंज हो जाएगी, इनके अकॉर्डिंग जब आप मान रखोगे तो
हालांकि सब की वैल्यू अपने रखते नहीं है, ये भी ध्यान रखना ठीक है। जैसे 150 में रख लेते हैं वैल्यू, 180 में, फिर 210 की जरूरत नहीं पड़ती ठीक है। और शायद सबको याद होगा, फिर भी पूरा ध्यान रखना ठीक है, वैल्यू कैसे चलती है, 0, 90, 180, 270 और 360। और पाई के अकॉर्डिंग याद रखो तो वैसे ध्यान रख लेना है ना, 0 फिर ये पाई बाई 2 फिर ये पाई है ना, और इसका कितना बनेगा, 2/3 पाई, क्या देख लेना पूरी तरह से याद नहीं है, और ये 2 पाई। तो इसी के अकॉर्डिंग जब मान लिखते हैं तो आगे बढ़ता जाता है। खैर इसकी मैं बात ही नहीं करूंगा, अपने तो ईएमएफ के अकॉर्डिंग आते हैं, यानी जब लूप अपना एन और एस दोनों के संपर्क में आता है तब जाकर के एक साइकिल साइन वेव का पूरा होता है। सिंपल चीज को यही याद रखना है, बस और कुछ नहीं है, इतना सा ही ध्यान रखना। देखो क्या याद रखोगे, पॉइंट नंबर 1 यहां से याद रखना है कि एक यांत्रिक चक्र में या एक यांत्रिक घूर्णन में, यानी मैकेनिकली जब अपना रोटर एक चक्कर घूर्णन कर जाएगा तो क्या होगा ठीक है। एक यांत्रिक घूर्णन में ईएमएफ के चक्कर कितने होंगे, तो ये होते हैं 2 पोल के बराबर, यानी 2 पोल मिलकर के बनाता है पी बटे 2 के बराबर होता है, पी बाई 2 के बराबर होता है ठीक है। हाँ 2 पोल मिलकर के बनाते हैं, बड़ा सिंपल सा इतना है। यानी अगर 2 पोल है तो एक चक्कर में ईएमएफ का भी एक ही चक्कर मिलेगा। अब अगर चक्कर प्रति सेकंड 50 है तो 50 चक्कर प्रति सेकंड ही मिलेंगे ठीक है, जितने पोल है उसके आधे। मान लीजिए कि यांत्रिक चक्कर अपने एन हो, घूर्णन गति का मतलब क्या, यही तो होता है ना, एन का मतलब क्या है कि चक्कर प्रति सेकंड या चक्कर प्रति मिनट। तो एन चक्करों की बात कर रहे हैं अपन ठीक है। एन यांत्रिक घूर्णन में आरपीएम के चक्कर कितने होंगे, पोल बटा 2 एक चक्कर का था, इसको घूर्णन गति से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है। सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई कर दो भाई, अपन को एक चक्कर का दे रखा है तो 50 चक्कर का पूछेगा, 100 चक्कर का पूछेगा, 1000 चक्र का पूछेगा, क्या करना है, उतने ही नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस चक्रों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन यहां पर शर्त है आपको ध्यान रखना है, ये एन आपका आरपीएस में ही होना चाहिए। इस समय हमें जनरेटर की स्पीड रिवोल्यूशन पर सेकंड, चक्र प्रति सेकंड में दिया हुआ होना चाहिए, जैसे कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। तो अगर वो प्रति सेकंड 50 चक्कर काट रहा है तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है ठीक है, सिंपल है और कुछ भी नहीं करना है। अब देखो अगर घूर्णन गति दे रखी हो आरपीएम में, कोई चक्कर प्रति मिनट भी तो होता है, तो हमें जो आंसर चाहिए ना वो चाहिए हर्ट्ज में, चक्कर प्रति सेकंड में चाहिए, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो आरपीएम दे रखा होगा उसी में भाग दे देंगे, यानी पी बाई 2 तो है ही, इसको हमें गुणा करना है। लेकिन अगर एन आरपीएम में दे रखा हो तो क्या करना है, उसको 60 से डिवाइड कर दो बस। तो फिर कंप्लीट फॉर्मूला यही बनता है, पीएन बटा 120 याद रह जाएगा क्या बताऊं। दो सूत्र याद रखना, इसको भी याद रखना, पेपर में ये भी आ जाता है। यानी अब आप लोगों को स्पीड पर पूरा ध्यान रखना है कि आरपीएम में दे रखा है कि आरपीएस में। बहुत दफा ऐसा होता है आरपीएस में दे रखा था, हमने आरपीएम के अकॉर्डिंग कर दिया, उत्तर गलत हो जाता है ठीक है। और एक चीज बताता हूँ आपको, इस फ्रीक्वेंसी से टाइम भी कैलकुलेट होता है। फ्रीक्वेंसी और टाइम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी गलत हुई तो टाइम भी गलत हो जाएगा, भाई फ्रीक्वेंसी गलत हुई समय अंतराल भी गलत हो गया, एक नहीं दो दो उत्तर गलत हो जाएंगे। इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखनी है। और आजकल क्या इस तरह के क्वेश्चन अपने पेपर में आने लग गए ठीक है ना, पेपर में आने लग गए भाई, थोड़ा सा लेवल चेंज कर दिया। ऐसे नहीं है कि अब पहले जितना इजी देते,
ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो ये बताते हैं, गुरुजी लास्ट में थोड़ा सा बता दिया, अगर वो याद नहीं रहता तो दोबारा बताता हूँ, सुन लो। फ्रीक्वेंसी एफ इंडिकेट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को, जो चक्कर प्रति सेकंड में ही होती है, हर्टज में भी हो सकती है, ऐसे तो बीट्स पर सेकंड भी होती है। फ्रीक्वेंसी की 3-4 इकाई है। फ्रीक्वेंटली शब्द का मतलब क्या होता है, मैं खैर पहले भी बात कर चुका हूँ, फ्रीक्वेंसी संबंधित तो एक अलग क्लास लगी हुई है, पूरी डिटेल से आप लोग देखना। फ्रीक्वेंसी शब्द का मतलब होता है किसी चीज का रिपीट होना, इसीलिए तो हिंदी में हम इसको आवर्ती, पुनरावर्ती या बारंबारता के नाम से जानते हैं। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बारंबारता भी कहते हैं, कोई जरूरी नहीं है आवर्ती ही लिखा हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि इंग्लिश की साइड याद कर लो, इंग्लिश की साइड फ्रीक्वेंसी ही लिखा हुआ मिलेगा, हिंदी में आवर्ती, पुनरावर्ती, बारंबारता कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, इंग्लिश की साइड ज्यादा ही कोई चेंज करे तो फिर रिपीटेशन लिख सकता है, रिपीटेशन पुनरावर्ती में बोलते हैं। पी पोल की संख्या, एन घूर्णन गति। अब ध्यान से सुनो, अगर डायरेक्टली कोई आपसे पूछे कि पोल और फ्रीक्वेंसी में क्या संबंध है, तो पोल और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं, डायरेक्ट समानुपाती है। यानी हम पोल की संख्या को बढ़ा करके फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, अगर चाहें तो इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी आरपीएम यानी स्पीड के भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट समानुपाती है, प्रत्यक्ष समानुपाती है। यानी हम यदि स्पीड बढ़ाते हैं तब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। लेकिन वैसे थोड़ा सा ध्यान रखना कि फ्रीक्वेंसी जो है वो सीधे पोल के नहीं है, P/2 के बराबर है, ठीक है ना। P/2 के बराबर होती है बस, और कुछ नहीं है, इतना सही ध्यान रखना। P/2 होता है ना कि P। हालांकि थ्योरिटिकल जब भी क्वेश्चन आता है तो यही आता है। और कंप्लीट ओवरऑल फ्रीक्वेंसी 3 चीजों पर निर्भर करती है, पोल और घूर्णन गति के समानुपाती, समय के व्युत्क्रमानुपाती। तीनों याद रख लेना, तीनों आ जाएगी। अब यहाँ से पेपर में आ भी सकता है, लेकिन देखो इसके न्यूमेरिकल से पहले यहाँ से क्वेश्चन आता है आजकल, छोटा सिंपल सवाल आता है, बड़ा सिंपल सवाल, कि 4 पोल के एक अल्टरनेटर में एक यांत्रिक चक्र में ईएमएफ के चक्रों की संख्या कितनी होगी। सिर्फ और सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आता है, 4 पोल के अल्टरनेटर में एक यांत्रिक चक्र में विद्युत वाहक बल के चक्रों की संख्या कितनी होगी। P/2 कर दो, 2 चक्कर होंगे। इसी तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है अपन से, उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक यांत्रिक चक्र में ईएमएफ के चक्र जो है वो 4 चक्कर प्राप्त होते हैं। अल्टरनेटर के एक यांत्रिक चक्र में ईएमएफ के 4 चक्कर प्राप्त होते हैं, अल्टरनेटर में पोल कितने हैं। तो दो छोटे छोटे सवाल तो यहां से बनते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का मान पोल घूर्णन गति के अकॉर्डिंग बन ही रहा है, ठीक है। इंडिया में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही होती है, शायद आप लोगों को पता होगा क्यों होती है 50 हर्ट्ज, बस यही कारण होता है ना। हालांकि हमें 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग कॉन्स्टेंट रखना होता है, आरपीएम बढ़ा करके फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अपने 50 ही होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के बारे में पूरी क्लास पहले से लगी हुई है, तो वहां से आप जरूर देखना, ठीक है। अब देखो न्यूमेरिकल इसके छोटे छोटे कैसे आएंगे, ज्यादा डिटेल से बात करने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीज है। मान लीजिए कि अपन को कह देता है पोल 2 है और आरपीएम 3000 है, राइट, तो बताइए इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा। वैसे तो सब लोगों को याद ही होगा, है ना, 2 अगर पोल हो और 3000 RPM हो तो 50 हर्ट्ज ही उत्तर आता है। बहुत सारे लड़कों ने तो रट रखा होगा, और इसका बड़ा फायदा भी मिलता है। फायदा ये मिलता है कि कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, पेपर में टाइम बच जाता है, ठीक है। आ जाओ कैलकुलेशन करके मिलान कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस डिवाइड कर देना इसको, उत्तर देखना 50 हर्ट्ज ही आएगा, राइट। अब यहाँ से इनडायरेक्टली अपन से, है ना, टाइम भी पूछा जा सकता है। तो मान लीजिए इस तरह से देता है वो, पोल 4 कर दे और आरपीएम मान लीजिए 1500 कर दे, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, पोल दोगुने कर दिए, गति आधी कर दी, फ्रीक्वेंसी उतनी आएगी,
कॉल तो उन्हें कर दिए, स्पीड आधी कर दी, फ्रीक्वेंसी होगी वही आएगी, लेकिन यहाँ अपन से टाइम अगर पूछ लिया जाए तो टाइम के लिए होता है 1/4 फ्रीक्वेंसी, और इसकी पहले आप लोग फ्रीक्वेंसी निकालोगे, फ्रीक्वेंसी आएगी 50 हर्ट्ज, तो इसको कैलकुलेशन करके भी उत्तर दे सकते हैं, और ये आएगा 0.02 सेकेंड। तो इस तरह से क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी सिंपल और सटीक तो वही आते हैं कि दो पोल है, एक यांत्रिक चक्कर में ईएमएफ के चक्कर कितने मिलेंगे, और इस तरह का क्वेश्चन हम कर नहीं पाते, ठीक है। पूरी तरह से याद रखो, तो ये ध्यान रखो, ईएमएफ का एक चक्कर पोल के जोड़े के बराबर होता है, पेयर ऑफ पोल के बराबर होता है, ठीक है। बस आज की क्लास इतनी थी, छोटी सी थी, छोटा सा टॉपिक है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे अल्टरनेटर के प्रकार कितने होते हैं, अगली क्लास में लेंगे, ठीक है। कर देना वीडियो को लाइक जरूर, और आज की इंपॉर्टेंट बात करते हैं, लास्ट वाली क्या रह गई थी। यूपी आर्मिनल में TG2 की वैकेंसी थी, डेट एक्सटेंड हो चुकी है, आप लोगों ने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, नहीं देखा तो मैं भी कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दूंगा। 25 मई 2020 कर दिया है उसकी अपडेट एक्सटेंड करके, किसी भाई का रह गया हो तो अब अप्लाई कर देना, जरूर भरना, फॉर्म जरूर अप्लाई करना। और खास तौर से मैं बताऊं, जो जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है भाइयों, निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि प्लीज आप लोग ईडब्ल्यूएस में ही भरें, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये समझ लीजिए। भरना है फॉर्म ईडब्ल्यूएस में ही भरना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। बड़ा इजी और शॉर्ट सा है, 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, आप ईडब्ल्यूएस में आते हो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। बस तो फिर कर देना लाइक जरूर वीडियो को। अच्छा, कुछ एक है लड़के जिनके पेमेंट की प्रॉब्लम आ रही है भाई, आजकल तो डिजिटल पेमेंट का इतना सिस्टम चल रहा है यार, नेट बैंकिंग होगी कीजिए ना, उससे कहीं पेमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर पेमेंट अकाउंट से कट गई है लेकिन सक्सेस नहीं दिखा रहा है, तो वेट करो, नेक्स्ट 3 से 5 वर्किंग डेज में सक्सेस हो जाएगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किसी का नहीं बना हुआ तो भाई रिक्वेस्ट करो, कैसे न कैसे सर्टिफिकेट बनवाओ, सीधी सी बात यह है, ठीक है। ओके, और सुरेश भाई क्या पूछ रहा है। ओके, दो ही क्यों आते हैं भाई, ये मैं बात कर चुका हूं सुरेश बाबू, कि दो पोल मिलकर के एक ईएमएफ बनाते हैं, एन और एस, यानी जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलती है तो चालक में प्रेरित ईएमएफ की दिशा भी बदल जाती है, क्योंकि घूमने की दिशा तो बदली नहीं। फ्लेमिंग ने क्या कहा है कि यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल दें, चालक उसी दिशा में घूमता रहे, तो चालक में इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन बदल जाती है। पहले एन पोल के संपर्क में था, फिर एस पोल के संपर्क में था, एन पोल के संपर्क में था आधा चक्कर पॉजिटिव में, एस पोल के संपर्क में है आधा चक्कर नेगेटिव में, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव मिला करके हमें तो एक चक्कर दे दिया ना, इसलिए पोल के नीचे दो का ही भाग देंगे। उम्मीद करता हूं रिप्लाई मिल गया होगा। ओके, तो लाइक तो कर ही देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं कर रखा, नीचे लाल रंग में लिखा हुआ है सब्सक्राइब जरूर, उसके पास नोटिफिकेशन बेल आइकन भी है उसको भी प्रेस कीजिएगा। बस ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।